हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन ऑडियो से बोल रहा हूँ। ये हम लोगों का नया किट है, इसका मॉडल है ACU116 116। तो ये एक स्पेशल किट है, ये मेनली कोई भी स्टीरियो एम्पलीफायर को रिमोट में डिजिटल मतलब डिजिटली कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। आपके पास कोई भी स्टीरियो एम्पलीफायर हो या जो भी एम्पलीफायर है पुराना, उसको अगर आप चाहते हो कि रिमोट से काम करवाए तो ये बोर्ड आपके काम आ सकता है। या आप अपना नया एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं जिसको आप रिमोट कंट्रोल करना चाहते हो तो ये किट आपके लिए है। इसमें मेनली क्या मिलता है आपको देखिए, ये कनेक्टर्स वगैरह है, ये एक रिमोट है, डिस्प्ले यूनिट होता है, इनकोडर होता है एक, और ये आपका मेन बोर्ड। तो ये आपका कनेक्टर हो गया, रिमोट में सब बटन्स वगैरह कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसमें आपका बेस ट्रिपल कम ज़्यादा करने के लिए वॉल्यूम है, म्यूट है, ये USB को कंट्रोल करने के लिए है, ये इनपुट्स है जो आगे मैं बताऊंगा क्या है, ये मोड है USB का, ये पावर स्विच है, USB का गाना सिलेक्ट करने के लिए नंबर्स वगैरह है, USB का गाना रिपीट करने के लिए इसमें ऑप्शन है, इक्वलाइजर है, सराउंड का ऑप्शन है, और ये रीसेट है, रीसेट मतलब इसका सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए। और इस बोर्ड में आपको क्या क्या मिलता है देखिए, ये मेन बोर्ड है, ये इसका ऑडियो प्रोसेसर है नीचे, ये बफर सेक्शन है गेन बढ़ाने के लिए इस बोर्ड का, ये कनेक्टर जो है ये डिस्प्ले से तार निकल के इस कनेक्टर में आएगा, ये 12 वोल्ट इनपुट के लिए है, ये DC 12 वोल्ट पे चलता है सिंगल सप्लाई, ये इसका वोल्टेज रेगुलेटर है यहाँ पे, ये USB का जो ऑडियो है उसका इनपुट के लिए है, और बाकी यहाँ पे जो कनेक्शन है जैसे कि 2 3 4 2 3 4, तो दो आपका ये दो और ये दो, एक इनपुट हो गया स्टीरियो, तीन और तीन दूसरा इनपुट हो गया, चार और चार आपका चौथा इनपुट हो गया, मतलब USB नंबर एक इनपुट है, दो और दो दूसरा इनपुट, तीन और तीन तीसरा, चार और चार चौथा। तो इसमें आपको टोटल 4 स्टीरियो इनपुट आप इसमें दे सकते हो इंक्लूड USB का। यहाँ पे इसका ये आउटपुट है जो आपका एम्पलीफायर में जाएगा, और ये सिंगल सप्लाई से चलता है, तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको कोई भी एम्पलीफायर में लगा सकते हो, 44-40 में भी आप इसको चला सकते हो, कोई भी एम्पलीफायर में, ट्रांजिस्टर हो या जो भी हो, जैसे कि आपका इस टाइप का जो एम्पलीफायर है, ये स्टीरियो एम्पलीफायर है, ये खाली पावर सेक्शन है, तो ऐसा कोई भी एम्पलीफायर को आप खरीद के या आपके पास अगर स्टॉक में है उसका भी यूज़ कर सकते हो। लिटरली ये कोई भी एम्पलीफायर में लग जाएगा जो आपको रिमोट कंट्रोल बना देगा। इस बोर्ड का एक ख़ास बात क्या है देखिए, इस बोर्ड से मार्केट का कोई भी USB किट आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको दो रिमोट की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही रिमोट से आपका मार्केट का कोई भी USB किट लोकल वो काम करेगा, तो आपका पूरा ब्रांडेड सिस्टम जैसा वो बन जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो IR आउटपुट है, 1 2 3 नंबर पिन, यहाँ से एक तार निकल के लोकल जो मार्केट का USB किट होता है उसका IR का इनपुट पिन यानी एक नंबर पिन में घुस जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और वो IR किट आपको मतलब IR सेंसर जो होता है मार्केट का USB किट का, उसको खुल के निकाल देना है। और जैसे कि आपका मैं दिखा, जैसे कि देखिए ये वाला जो किट होता है
इसका ये सेंसर का पीछे देखिए एक नंबर पिन जो ग्रीन तार लगा हुआ है, ये ग्रीन तार जाएगा आपका यहाँ पे 1 2 3 नंबर पिन पे। तो क्या होगा तब जब आप इसको कनेक्शन कर दोगे तो ये सेम रिमोट आपका वो यूएसबी किट को कंट्रोल करेगा। तो आपके पास कोई भी पुराना या नया कोई भी एम्पलीफायर हो तो ये उसमें आराम से काम करेगा। आपको इसमें यूएसबी का कंट्रोल भी मिल जाएगा। अभी देखते हैं इसमें रिमोट में क्या क्या ऑप्शन है डिस्प्ले में। चलिए देखते हैं, इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही ये दिखाएगा कि इसका ऑडियो सोर्स मतलब इनपुट कौन सा है। अभी ये देखिए ये वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कम हो रहा है, ये बेस, ये ट्रिबल है, और ये म्यूट है, इसमें ये सिलेक्ट सोर्स यूएसबी है, सीटी, फोनो, ऑक्स। यूएसबी का मोड चेंज करने से आपका इसमें ऑप्शन दिखाएगा, एफएम, ब्लूटूथ वगैरह। और इसको अगर आप चेंज करोगे नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, ये दिखाएगा। इसको दबाने से यूएसबी का वॉल्यूम भी आपका कम ज़्यादा होगा, और ये यूएसबी का इक्वलाइजर वगैरह के लिए है। और इसमें क्या खास है देखिए, जो एनालॉग एम्पलीफायर होता है उसमें अगर आप वॉल्यूम जितना बढ़ा के रखोगे तो उतने में ही वो नेक्स्ट टाइम में जाके ऑन होकर बजना शुरू कर देगा। इसमें क्या है देखिए, वॉल्यूम मैंने इसमें इतना हाई करके दिया। अभी इसका पावर मैं बंद कर देता हूँ। फिर मैं इसमें पावर देता हूँ, देखिए देखिए वॉल्यूम इसका 10%, सॉरी आपका 5% में आ गया, एक चौथाई हो गया इसका। तो ये आपका स्पीकर या सिस्टम को बचाने के लिए भी अच्छा है। बाकी इसमें और भी बहुत सारा फंक्शंस है, अगर आप चाहो तो नीचे दिया गया मेरा नंबर से आप इसको कॉन्टेक्ट करके इसको परचेस करना चाहते हो। इसका प्राइस है ओनली 1200 रुपये, कूरियर के साथ 1300 रुपये, ऑल ओवर इंडिया 1300 रुपये में आपको टोटल सब मिलेगा, ये तार, रिमोट, ये डिस्प्ले और ये प्रोसेसर बोर्ड, और ये एनकोडर भी मिलेगा। इससे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, बैलेंस भी इसमें दिया गया है, लाउडनेस का भी इसमें ऑप्शन है, 3 स्टेज में आप इसको लाउडनेस भी बढ़ा सकते हो। आपका अगर गेन कम है जो इनपुट है उसका, तो ये लाउडनेस आपका उसका बढ़ा देगा। मार्केट का जो सराउंड किट होता है उसका 5 वोल्ट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, उसका पिन भी, वोल्टेज भी इधर से निकलेगा। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो मुझसे संपर्क करें व्हाट्सएप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।